हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल फेस ऑफ हरियाणा के नए एपिसोड के साथ। और आज फिर दोबारा हम आ पहुंचे हैं हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले के उस स्थान पर जहां पर चला हुआ है गीता जयंती महोत्सव। तो दिखाएंगे हम आपको कुछ अंदर का दृश्य, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड पर। दोस्तों, यह हर साल नवंबर से दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। और चलते चलते हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के मुख्य द्वार पर, और अभी दिखाते हैं हम आपको अंदर का दृश्य। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, जो आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं, कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर का मुख्य द्वार है, और यहीं से होते हुए हम अंदर की ओर एंटर करेंगे। गीता महोत्सव 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक आपका अभिनंदन करता है। देखिए दोस्तों, कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर का यह नजारा इसे देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। दिखाएंगे हम आपको मेले की स्पेशल व्यू, जिसमें आप कहीं सजी हुई दुकानें देखेंगे तो कहीं शिल्पकारों से बनाई गई कलाकृतियां। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आपको दिखाते हैं सर्च मेला अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। यहाँ पर येलो ब्रदर एक भी बनाई गई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर व्यापारियों ने अपनी दुकानें किस तरह से सजाई हुई है, क्योंकि यह 15 से 17 दिन यहाँ पर बहुत ही भीड़ लगती है। देखिए कैसे यहाँ पर मूर्तिकार ने इनको यह रूप दिया हुआ है। हेलो, दिखाते हैं दोस्तों हम आपको कुछ आगे का व्यू। सुंदर सुंदर सजी दुकानें जो देखने में है बहुत ही सुंदर और मनमोहक। कैसे यहाँ पर आए हर एक व्यक्ति यहाँ पर खरीदारी कर रहा है। अभी वेला तो आएगा, कहीं पाव बलजीत की मशहूर जलेबी है तो कहीं अमेरिकन बुट्टा। कहीं रामकृष्ण मिशन है तो कहीं इनके साथ है हरे कृष्ण। देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक किस तरह से यहाँ पर सजाया हुआ है दुकानों को। Thank you.
दोस्तों हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सके और वो जान सके गीता महोत्सव मेले के बारे में जो नवंबर से दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों किस प्रकार श्रद्धालु यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर जयपुरी रजाइयां जयपुर राजस्थान से प्रोफेसर मुकेश कुमार आपके बेटा है ना उनसे दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ इस वीडियो में गीता जयंती महोत्सव का आनंद ले रहे होंगे। देश के हर एक कोने से यहाँ पर श्रद्धालु और व्यक्ति आए हुए हैं। बहुत ही सुंदर और मनमोहक अद्भुत शिव भोलेनाथ जी के जटाओं से गंगा बहते हुए तो दोस्तों चलते हैं अभी आगे की ओर। वाओ ब्यूटीफुल हेलो एंड ओबी से तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह एपिसोड
खत्म होता है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, हरे कृष्ण।